brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या दर्जन भर सीटों पर दावा ठोकने वाली कांग्रेस को अब महागठबंधन में 6 सीटों पर निपटाने की कवायद की जा रही है? क्या आज की बैठक के बाद महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से फ्रेंडली फाइट की शुरुआत हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं अर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं महागठबंधन में मचे खींचतान को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के। महागठबंधन में फंसा हुआ पेच सुलझाने की बजाय और उलझता जा रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के जब बातचीत शुरू हुई थी, तब कांग्रेस ने एक दर्जन भर सीटों पर अपना दावा ठोका था। धीरे धीरे ये संख्या घटकर 7 से 9 के बीच पहुंच गई। लेकिन अब आरजेडी की रणनीति की वजह से कांग्रेस लगभग 6 सीटों पर सिमटी दिख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के पास हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई की भूमिका आरजेडी के पास है और इस वक्त आरजेडी कांग्रेस को एक एक सीट के लिए तरसाती हुई यहां पर नजर आ रही है, जिसको लेकर के बात कहीं ना कहीं फंसी नजर आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे के साझा ऐलान का इंतजार एक एक दिन कर आगे बढ़ रहा है। अब बीते दिन भी इसी दिन का इंतजार करते करते निकल गया और आज देखिए कि साझा ऐलान की उम्मीद एक बार फिर से जताई जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना होंगे। हालांकि आरजेडी के रवैये से नाराज कांग्रेस के नेता अनौपचारिक बातचीत में ये कह रहे हैं कि अब लोकसभा के कई सीटों पर वो सहयोगी दलों के साथ फ्रेंडली फाइट को तैयार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आरजेडी की तरफ से कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया जाना या फिर लेफ्ट के उम्मीदवारों को हरी झंडी देना। सूत्रों के मुताबिक ये कांग्रेस को जो सीट इस वक्त आरजेडी ऑफर कर रही है उसमें ज्यादातर सुरक्षित सीटें हैं। कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से इसकी सिटिंग जो सीट है वो किशनगंज दे दी गई। इसके अलावा कांग्रेस को समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, गोपालगंज जैसी सीट दी जा रही है। कांग्रेस पूर्णिया सीट मांग रही है, लेकिन उसे पूर्णिया की बजाय नालंदा या हाजीपुर सीट ऑफर की जा रही है। कटिहार सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर के मामला 6 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहा। पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने नया पेच जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल करा करके यहाँ पर फंसा दिया है। पप्पू यादव ने इसी कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगी और उन्होंने लाइफलाइन तक बताया पूर्णिया सीट को। लेकिन आरजेडी की रणनीति में पप्पू के भी तोते उड़ा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए अपने उम्मीदवारों को साझा घोषणा के बगैर ही सिंबल देना जारी रखा हुआ है। बात पहले चरण के उम्मीदवारों से आगे निकल चुकी है। लगभग सभी चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट तैयार है जिन्हें लालू की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लेफ्ट की तरफ से भी अपने दावे वाली सीटों पर उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो देखिए कि कहीं ना कहीं की जा चुकी है। माले और सीपीआई दोनों ने अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस ही अकेले बची है जिसने अब तक बिहार में अपनी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बीते दिन भी आप देखिए कि कांग्रेस में उम्मीदवार की 4थी लिस्ट जारी हुई, लेकिन इसमें भी बिहार में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं था। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बार बार लालू रावड़ी आवास का चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें चाहिए तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई सीटों पर कांग्रेस को आरजेडी या फिर दूसरे सहयोगी दल जो है उनके साथ वहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो करना पड़ सकता है। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट में कई ऐसी सीटों को शामिल किया गया था जिस पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया है। औरंगाबाद, नवादा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस काराकाट सीट भी मांग रही थी, लेकिन इस सीट को आरजेडी ने माले के कोटे में दे दिया। अब माना जा रहा है कि सीट पर मीरा कुमार अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी, लेकिन अब ये सीट जो है वो माले के पाले में जाने के बाद मीरा कुमार ने सासाराम सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। अब इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से कई दावेदार हैं। अब पूर्वी चंपारण सीट पर भी आप देखिए कि कांग्रेस की नजर थी, लेकिन आरजेडी यहां भी अपना उम्मीदवार लगभग तय कर चुकी है। ऐसे में 6 सीट से ज्यादा अगर 7वीं सीट तक बात पहुंचती है तो आरजेडी के सिंबल पर ही बेतिया सीट से कांग्रेस का कोई चेहरा मैदान में उतर सकता है। कुल मिलाकर के अगर देखे और कहे तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि लालू की रणनीति के आगे कांग्रेस कितना झुकती है या फिर वो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। देखना दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार।